बहुत अच्छा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, नहीं हाँ जी, देखने में बहुत अच्छा है। तो अभी दो ये पढ़ें गाइस, एक ये तीन, एक ये चार। सोयाबीन सुबह बज रहे 8:30 और हमारे तरफ से सभी को गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पर हमने सोचा कि आज बारिश नहीं आएगी और जल्दी जल्दी खाना पका देते हैं, सुबह बारिश खत्म हो गई थी, नहीं खत्म हो गई और सारा धूप निकल गया था और बहुत अच्छी मौसम हो गई थी, फिर बारिश आ गई। फिर बारिश आ गई। अभी भी गाइस बारिश हो रही है रिम झिम। ये देखो हमें लकड़ी वगैरह सारी भगा के दी है, माचिस कहाँ गई, उधर पीछे पीछे। जल्दी आपके जल्दी घर का टेंशन नहीं है? घर का, घर हमारे में पानी अब नहीं आएगा, टेंशन नहीं है। और गाय अभी भी रिमझिम हो रही है। हाँ बादल अभी गाय देखो कितने ऊपर से देखने में आ रहे हैं, वो उल्टा गूंदने के बाद फिर आज हम बनाएंगे क्या गोरी, खाएंगे खाएंगे बताएंगे। बताएंगे, हाँ जी, नहीं बताते हैं, हमारे व्यूअर्स नहीं को नहीं ऐसे धोखा थोड़ी देंगे। गाय आज हम बना रहे हैं आलू फराठा, रात हमने बनाए थे तो आज दूसरी बार बनाए, रात हमने बनाए बहुत अच्छे लगे। अभी दोनों फिर से बना रहे हैं और खाएंगे और बहुत अच्छे बनते हैं। अभी कोशिश करेंगे अच्छे फ्राइडे बनाएंगे, लेकिन बारिश है तो हमारी आग जलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। नहीं हाँ जी, तो अभी भी गाइस वीडियो में देखने में आ रही है, पता नहीं रिम जिम अभी भी हो रही है। बोरी को अट्टे में पानी ज़्यादा हो गया है ऐसे लगता है, क्योंकि बारिश के ऊपर से आ रहा है, तो ये बारिश का पानी भी ख़राब नहीं है, नहीं जल रही है, क्या कर। तरीका नहीं आग जलाने का। अच्छा तो अभी अच्छा, कारीगर गाइस देखते हैं कि आग जलती है कि नहीं। हाँ जलाओ। एक दूसरी मेरे में पक्का। दूसरी में, हाँ जी, चलो देखते हैं दूसरी माचिस की तीली में देखते हैं। चलो हाँ, ये इधर डिसमिस हो गई, बस 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 छोड़ दे छोड़ दे, आपकी कमाई कबूल है। गैस ऑन, गैस नहीं, अब लगा के दोन। इंशाल्लाह गैस भी लगवाएंगे, बस गैस ऑन फिर टेंशन नहीं, बारिश भी गएगा नहीं, हाँ तो अभी जी, गैस वाला टेंशन है हम अभी ले लें फिर सही हो जाएगा। ये ना हमें बारिश में बहुत ज़्यादा जलील करती है, क्योंकि आग जलती नहीं, लकड़ी थोड़ी बहुत बिक जाती है ना। अट्टा भी गैस हमारा गूंद गया है और गोरी ने गूंद दिया है, उबल गए, नीचे उतारेंगे उसके बाद अट्टे में मिक्स करेंगे, किस तरह बनाते हैं वो भी आप गैस देखना। तो गैस हमारे आलू ना बिल्कुल उबल गए और गोरी मस्त रही, तो रात ने हमने बनाए बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। अभी किस इसको किस तरह करते हैं वो भी आपको दिखा दें, ये सालन के लिए, नहीं, सालन के लिए लास्ट में निकालना सही है। आलू हाँ का फराड़ा, ये हमारे एक सिस्टर है कराची में रहती है, उसी ने बताया कि बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप बना के देखना वो खाना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो रात हमने बनाए और आज फिर से बना रहे, बहुत ज़्यादा हमें अच्छे लगे थे। तो आज भी ये आलू बनाना, आलू और फराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी मौसम थोड़ी बहुत सही हो गई, अभी फिर से गर्मी, वो रिम जिम ख़त्म होती है तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो अभी थोड़ी रिम जिम ख़त्म हो गई, फिर से 5-10 मिनट में आ जाएगी। आज बारिश का गाय पता नहीं चल रहा है, अभी गाय बारिश की मौसम भी नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फिर पता नहीं क्या हुआ है, अभी मेरे ख्याल मौसम अभी आई नहीं बारिश की। वाह माशाल्लाह बहुत अच्छे देखने में आ रही है। सोया आलू के सालन का ना हमने इस तरह का जुगाड़ किया है, ये भी बहुत अच्छा बन जाता है ऐसे कि नहीं, अभी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये आलू के उफराटों के साथ। नहीं तो हम सोच रहे थे कि आज उफराटों के साथ नहीं खाते हैं सालन नहीं, लेकिन गौरी मैंने कहा नहीं सालन बहुत अच्छा लगेगा, तो आलू का सालन है, आलू के उफराटे, तो लास्ट में आपको बताएंगे टेस्ट कैसा है। मौसम सही है, अभी रिम जिम नहीं हो रही और अभी हमारा खाना वगैरह सही पक रहा है। इस पौधों को मैं देख इतना खुश होता हूँ, क्या मैं आपको बताऊँ, देखो कितने हरे भरे देखने में बहुत अच्छे, ये सारा हमारा गार्डन बहुत अच्छा हो गया, ये एक फूल भी देखो गाइस बहुत अच्छा देखने में आ रहा है। सुबह हमारा सालन पक के हो गया है तैयार, और अभी थोड़ा सा है, हम दो बंदे बहुत हो जाएगा, तो अभी आलू का सालन बहुत अच्छा बनता है अगर मसाले वगैरह पूरे हो जाएं तो। आज आपको बताएंगे, मुझे ऐसे लगता है कि आलू का सालन बहुत अच्छा पका होगा, तो अभी हम पकाएंगे आलू के उफराटे। ऐसे आलू बॉयल करने के बाद अभी गोरी नमक और ये क्या है धनिया, पीसे हुए धनिया, मिर्च, ये एक मसाला है कौन सा है, बिरयानी मसाला लगा दिया, हाँ नहीं, बिरयानी के नहीं है। बिरयानी है ये लिखा हुआ क्या, चलो सही हो जाता है। तो अभी ना हमारा मसाला मिक्स हो गया आलू बोल करके, तो अभी ना अट्टे में हम मिक्स करेंगे, तो हम ना आलू के फ्राइड इस तरह बनाए रहेंगे। सुबह ये सारे मसाले लगा दिए गोरी ने और अभी ये मैं अंदर जाके रख देता हूँ, मसाले वगैरह मैंने सारे अंदर रख दिए, तो अभी अंदर जाते हैं, अट्टा भी रख दो अंदर, अट्टा भी गोरी कह रहे अंदर रख दो। आज हमारा मोबाइल भी सही चार्ज होगा, अभी धूप भी सही निकल गया है। अभी देखो गाइस हमारा आलू का फ्राइड, वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दो ये गाइस बहुत अच्छे देखने में आ रहे, और सालन भी हमने आलू का बना दिया है और बहुत अच्छा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, नहीं हाँ जी, देखने में बहुत अच्छा है। तो अभी दो ये पड़े गाइस, एक ये तीन, एक ये चार, अभी भी दो हो जाएंगे, नहीं एक और एक पांच और। पांच, पांच तो बहुत हो जाएंगे, नहीं खा के फुल हो जाएंगे, बच जाएंगे तो शाम के लिए रख देंगे।
और अभी गर्मी बढ़ती जा रही है और सूरज बहुत ज़्यादा निकला है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सूरज निकला है, हमारा मोबाइल सही चार्ज हो जाएगा। तो अभी पसीना पसीना हम हो गए, तो गोरी को भी हवा लगा रहा हूँ, अपने को भी हवा लगा रहा हूँ। तो अभी ये मैं बर्तन वगैरह अंदर उठा के रख देता हूँ और लास्ट थोड़ा रह जाता है, उसके बाद अंदर जाके खाएंगे सुकून से। नहीं गोरी, थोड़ा पसीना वगैरह सुखा के उसके बाद। तो अभी हमारे फ्राइडे बन के हो गए तैयार, अंदर लेके आए और अब हम खाएंगे सुकून से फ्राइडे। वो देखने में बहुत अच्छे आ रहे हैं, अभी कैसे ये खाते हो रहा टेस्ट है। बहुत अच्छा ना, अभी मैं भी टेस्ट करता हूँ भाई, बहुत अच्छे लगते हैं। अभी नेक्स्ट टाइम हम ऐसे बनाएंगे, एक दूसरे दिन नहीं। सुबह अभी खाना शाना खा के हो गए फुल और अब ना हम थोड़ा घर का काम करेंगे, जो पानी वगैरह पड़ा है वो निकालेंगे। वैसे जो आम दिन होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं और उसमें हम कोई टेंशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा सुकून भी आता है और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। लेकिन जब बारिश वगैरह आती है तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल भी हो जाता है। वैसे अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो उसमें हमें टेंशन नहीं, लेकिन अभी जो बारिश हुई है वो तकरीबन 2-3 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है। एक तो ये कि इधर थोड़ी बहुत हमारे पास बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी हमारे पास जमा हो जाता है और ये जो मिट्टी है ये भी ख़राब है, बंदा स्लप हो जाता है और गिर जाता है। और ये पानी भी हमने जमा कर दिया है बारिश वाला, ये हमें बाद में काम देगा, सब्जी वगैरह को गार्डन को हम देंगे। तो ये फुल कर दिए, अभी मेरे ख्याल से बारिश हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हमें खतरा लगता है कि अब बारिश ना हो तो सही। अभी मैं पीछे जाऊंगा आपको दिखाऊंगा जहाँ से अंदर हमारे घर में पानी आया, तो यहाँ हम ऐसा करेंगे कि मिट्टी लगा देंगे तो अंदर पानी नहीं आएगा। तो अभी ना हम मिट्टी कूद के आएंगे, कूद के फिर इधर लगा देंगे, तो यहाँ से थोड़ा बहुत पानी आया था। ऊपर से कहीं भी हमारे घर में पानी नहीं आया, तो ऊपर हमने प्लास्टिक लगा दी और गोबर और मिट्टी का हमने लेपाई भी कर दी। 4-5 दिन हो गए सूरज नहीं निकलता। हाँ, सूरज निकलने वाला नाम ही नहीं गया, आज थोड़ा बहुत निकल रहा था, हमने सोचा कि अब बारिश नहीं होगी लेकिन फिर से हो रही है। तो हमने ज़्यादा तक पानी निकाल दिया है और अभी थोड़ा रहता है ये निकालेंगे। वैसे हमारे घर में पानी आया है नीचे से, तो वो नाम मिट्टी लगा देंगे सही हो जाएगा। यहाँ तो ऊपर से कहीं भी हमारे घर में पानी नहीं आया। तो कहते ये जो रिम जिम हो रही है ये हमें खाना नहीं पकाने देते, अभी क्या करें। कैसे अभी मैं झाड़ू उठाता हूँ और उस पूरे आंगन को लगाऊंगा। ये थोड़ा थोड़ा पानी जो पड़ा है गोरी ने सारा पानी निकाल दिया, अभी थोड़ा जो पड़ा है पानी ये मैं झाड़ू लगाऊंगा तो ये थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर ये हिस्से से सूख जाएगा। तो अभी थोड़ा बहुत धूप निकल रहा है, थोड़ा बहुत धूप निकल गया तो ये सारा पानी सूख जाएगा। तो वैसे आप गाइस कमेंट कर रहे थे कि ये पानी इधर जमा क्यों होता है, तो आप इधर से कोई निकाल ही कर दो, तो ज़्यादा जो पानी होता है ना वो निकाल हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन ये थोड़ा जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना ये नहीं निकलता, तो ये हमें खुद निकालना पड़ता है हाथ से। थोड़ा बिन बारिश वगैरह रुक गई है और अब मौसम बहुत अच्छी लगी हुई है, अभी शाम के बज रहे 4:30। सो गाइस अभी स्लो करें इधर एंड। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खैर आप और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए, बाय 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 बाय।